ओके तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मरशॉट। मरशॉट में सबसे पहले हम देखेंगे कि मरशॉट होता कैसे है, फिर हमें मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें देखता हूँ कि मरशॉट है क्या। तो मरशॉट करने के लिए हमें चार स्टेप्स चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारा जो एरे है उसमें हमको मिडिल इंडेक्स खोजना है और एरे को दो हाफ में डिवाइड कर देना है। सेकंड मतलब क्या है कि मरशॉट को दोबारा फिर से वो फर्स्ट हाफ में कॉल कीजिए, मरशॉट को फिर से कॉल कीजिए सेकेंड हाफ में, मतलब कि ये फर्स्ट हाफ है ये सेकेंड हाफ है, फिर इसमें मरशॉट कॉल कीजिए, फिर इसमें मरशॉट कॉल कीजिए। ये चलता रहेगा जब तक कि पूरा लास्ट वाला एलिमेंट जब जो है ना एक एक ब्लॉक ना बन जाए लास्ट में, तब तक ये जाता रहेगा। तो जैसे कि क्या हुआ, एक बार में ये क्या हुआ, फर्स्ट हाफ से आधा इधर गया, आधा इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, ये डिवाइड होते जा रहा है और ये जाके कहाँ रुक गया, जहाँ पे सब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बन गए वहाँ पे जाके ये रुक गया। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, ये देखिए शॉर्ट नहीं है, बस मर्ज कॉल मर्ज, ये शॉर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब पूरा वन वन पूरा एक ब्लॉक का सिंगल ब्लॉक बन जाएगा लास्ट में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे। मर्ज फंक्शन का काम क्या है कि ये दोनों को कंपेयर करता है, जो छोटा है उसको लेफ्ट में रखता है, बड़ा को उधर फेंक देता है, फिर 3 और 9 को जो छोटा है उसको इधर रखा, बड़ा को इधर कर दिया, 11 0 को जो 0 छोटा है 0 को लेफ्ट में रखा और 11 को उधर फेंक दिया, 81 ऐसे ऐसे। ये हर प्रोसेस में सॉर्टिंग करता है, ये हर प्रोसेस में जाकर शॉर्ट कर देता है और एट दी एंड हमको शॉर्टेड एरे मिल जाता है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा और कोड भी एक्सप्लेन करूंगा। तो कोड में सबसे पहले आके हम देखते हैं इंट मेन, यहाँ तक को तो हर कोई को पता होता है कि हम एक फॉर लूप में सब एरे का एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या किए, मर्ज शॉर्ट को कॉल किए, जिसमें कि हम एरे का नाम डालें, 0th इंडेक्स ऑफ द एरे डालें और n-1। n क्या है कि जो साइज ऑफ एरे है वो है, तो उसमें से n-1 मतलब जो लास्ट इंडेक्स हमारा एरे का है वो हम इसमें पास करा दिए। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, प्रिंट एफ शॉर्टेड एरे को हम कॉल कर देते हैं, वो तो ईजी है। अब मेन जो है हमारा यही फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा मर्ज शॉर्ट a0 n-1 यही है। तो अब हम देखते हैं मर्ज शॉर्ट ये होता क्या है। सबसे पहले हम मर्ज शॉर्ट में गए, तो मर्ज शॉर्ट में गए तो क्या हुआ कि इसमें हम वही एरे का नाम लिए, इंट आई इंट जे लिए। अब इसमें मिड मिड एक डिफाइन करते हैं, जो कि अगर आई लेस देन 0 होगा तो ऐसा ऐसा होगा। अब हम इसको एक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बताया कि ये मान लीजिए एरे है, इसमें 0 to 6 है, तो इसमें 0 और 6 को मैंने पास कर दिया, तो आई इसको 0 को आई मान लीजिए, 6 को जे मान लीजिए, तो इंट मिड होगा। तो इफ आई इज लेस देन जे, क्या आई लेस देन जे यहाँ है, 0 और 6 है वहां पे, तो हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे मिड हमारा फाइंड होगा, आई प्लस जे बाई टू मतलब ये प्लस ये बाई टू मतलब ये मतलब 0 और ये आई प्लस जे बाई टू हो जाएगा जो मिड फाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे, मर्ज शॉर्ट फिर से कॉल करेंगे किसमें, आई और मिड में मतलब फर्स्ट हाफ में, और फिर मर्ज शॉर्ट कब कॉल करेंगे, मिड प्लस 1 और जे में मतलब सेकंड हाफ वाले में। फिर ये करते रहेंगे हम लोग जब तब कब तक मतलब कब तक, जब तक हमारा जो लास्ट एलिमेंट जो है वो सिंगल ब्लॉक ना बन जाए। तो उसके लिए हम एक कंडीशन कोई डाल देंगे, इसलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन डाले हैं, इफ आई इज लेस देन जे। जब हमारा सिंगल ब्लॉक कोई बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए 45 हो, तो आई इज इक्वल टू 0, जे भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तो वहीं पे हो जाएगा ना, आई भी 0 जे भी 0, तो क्या होगा, अब कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा कि क्या आई लेस देन जे है, नहीं, आई जे दोनों तो बराबर है, तो कि यहाँ इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए मेरा जो है ना यहाँ पे जाके ये रुक जाता है लास्ट में, सब एक एक ही बन जाता है इसके बाद रुक जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि हम वहां पे फिर हमारा हर प्रोसेस में मर्ज फंक्शन में कॉल हो रहा है। मर्ज फंक्शन में क्या होता है कि ए मतलब एरे का नाम, आई और मिड मतलब क्या, आई और मिड मतलब फर्स्ट हाफ, और मिड प्लस 1 और जे मतलब सेकेंड हाफ, दोनों को हम इसी में ले लेते हैं और दोनों को मर्ज करना है, क्योंकि दोनों को मर्ज करना है इसलिए दोनों का हम ये ले लिए, मतलब इंडेक्स ले लिए, हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अब क्या हुआ कि मर्ज फंक्शन में एक्सप्लेन करूंगा, मर्ज फंक्शन में क्या है, वही कि यही सेम वाला मैंने बताया कि आई मिड मतलब आई वन मान लिए, जे वन मान लिए, आई टू मान लिए, जे टू मान लिए, ये फर्स्ट हाफ के लिए है, ये सेकंड हाफ के लिए है। अब क्या हुआ कि एक टेम्प्रोरी एरे मानते हैं, उसमें कुछ वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं आई जे के, और आई को आई वन से इनिशियलाइज करती हैं, जे को आई टू से इनिशियलाइज करती हैं, मतलब आई वन को आई से और जे टू को आई टू से, ठीक है, जे को आई टू से, और के इज इक्वल टू 0, ये देखते हैं क्या के क्या है। वाइल आई लेस देन और इक्वल टू जे वन एंड जे लेस देन इक्वल टू जे टू, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी ये प्रोसेस होगा। अब मैं बताता हूँ क्या है, यहाँ पे इक्वल टू क्यू डालें वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आई लेस देन इक्वल टू जे वन मतलब क्या है, आई क्या है, आई वन है ना, तो ये आई वन हो गया,
आई वन लेस देन इज इक्वल टू जे वन, तो आई वन जे वन दोनों तो इसी में है, तो आई वन इज इक्वल टू जीरो, जे वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब पहला पार्ट तो ठीक है। अब एंड में जाएंगे, क्या आई टू और जे टू क्या दोनों इक्वल टू है, तो आई टू इज इक्वल टू जीरो, जे टू इज इक्वल टू जीरो, हाँ ये भी पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे तो इफ कंडीशन आएगा, इफ ए वन ए ऑफ आई वन इज इक्वल टू इफ लेस देन ए ऑफ जे, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, वो उसको हम जो स्मॉलर वाले है उसको हम टी ऑफ के में डाल देंगे। तो सब के प्लस प्लस क्या है वो मैं भी बताता हूँ, पहले ये देखिए कि जो स्मॉलर वाले हैं उसको हम इसमें डाल दिए टेम्प्रोरी एरे में, और अगर इसी में क्या होता कि अगर ए ऑफ जे स्मॉलर होता मतलब एल्स पार्ट मान लीजिए, तो फिर इसको हम टी ऑफ के में डाल देते हैं। तो प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ना मतलब जो एक एलिमेंट जो एक स्पेस फिल हो चुका है वहां से हम आगे बढ़ जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट वाले में वो स्पेस फिल होगा, और ए प्लस प्लस मतलब जो होगा कि एक बार जो कंपेयर हो चुका है उसके बाद वाला कंपेयर होगा। अभी हम सब समझेंगे, अगर हम एग्जांपल बताऊंगा तो सब समझना आएगा आपको। यहाँ पे देखते हैं 45 और 61, 45 क्या ए ऑफ आई है हाँ, और 67 क्या ए ऑफ जे है हाँ, तो ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे यस इट इज, तो हम क्या करेंगे 45 को यहाँ पे डाल देंगे 67 को यहाँ डालेंगे, उसके बाद मतलब 45 को पहले टेम्प्रोरी में डाल दिए फिर इसको टेम्प्रोरी को प्लस प्लस कर दिए और फिर इसको ए ऑफ प्लस प्लस करेंगे तो नॉट पॉसिबल। अभी मैं ये कोड भी समझाऊंगा कि ये क्या है, अभी बस इतना समझिए कि ये कॉपी कैसे हो रहा है, इसका एक और कोड है वो भी समझाना है। थ्री और नाइन, थ्री क्या है ए ऑफ आई ये जे, तो पहले थ्री कॉपी होगा उसके बाद नाइन कॉपी होगा, फिर 11 एंड जीरो यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ मतलब कि ए ऑफ आई लेस देन नहीं है, ए ऑफ जे लेस देन है, तो ए ऑफ जे को पहले टी ऑफ के में कॉपी कीजिए, टी ऑफ के प्लस प्लस कीजिए मतलब यहाँ पे आ गया, फिर हमको ये वाला कॉपी कर देंगे। अब हम देखते हैं एक और कोड जो मैं अभी समझाने वाला हूँ वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 45 क्या लेस देन 3 है, नहीं है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा हाँ, तो 3 में पहले 3 कॉपी होगा उसके बाद क्या होगा कि टी ऑफ के प्लस प्लस मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये टेम्प्रोरी एरे है ना, और यहाँ पे ए ऑफ मतलब जो अभी कॉपी हुआ उसका प्लस प्लस मतलब जे कॉपी हुआ तो जे ऑफ प्लस प्लस यहाँ पे आ गया। अब देखिए फायदा क्या होता था प्लस प्लस का वो मैं बताता हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस मतलब यहाँ अब 9 कॉम्पेयर होगा 45 से, ठीक है, तो 9 कंपेयर होगा 45 से। अब क्या है 9 क्या स्मॉलर देन है 45 हाँ, फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ फिर यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे प्लस प्लस कर दिए इसको, प्लस प्लस अभी कहाँ पे जाएगा है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपको अगर ऐसा हो कि एक पूरा एरे कॉपी हो जाए तो दूसरा एरे जो बचा है उसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसके लिए एक और कोड हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड अभी अब एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए तो कुछ रहना तो चाहिए, दो एरे तो रहना चाहिए, अब तो एक एरे तो पूरा कॉपी हो चुका है तो एक एरे तो गायब हो गया, तो दूसरा एरे बस एक ही एरे बच गया, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दो एरे का कंपेरिजन होता है आई और जे का। इसलिए हम चलते हैं आगे, आगे हम एक और कोड लिखे हैं कि वाइल आई इज लेस देन जे वन, मतलब अभी जो मेरा एग्जाम्पल है उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये अभी नहीं होगा। वाइल आई इज लेस देन जे वन टी ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस प्लस, क्या i इज लेस देन j1 है, तो अभी हम यहाँ इक्वल टू भी है वहां पे i इज लेस देन इक्वल टू j1 ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या i मतलब ये i1 है इज लेस देन j1 है हाँ है, आई तो आई वन तो जीरो है जे वन तो वन है, तो ये है यहाँ पे कंडीशन सर्टिफाइड हो गया। तो ये हम क्या करेंगे ये a ऑफ i i ये a ऑफ i इसमें कॉपी होगा टी ऑफ के में और दोनों प्लस प्लस करेंगे, तो ए ऑफ आई कॉपी हो गया और टी ऑफ के प्लस प्लस हो गया, मतलब ये प्लस प्लस यहाँ पे आ गया और ये प्लस प्लस मतलब आई प्लस प्लस हो तो यहाँ पे आ गया, फिर 67 भी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा टी ऑफ के प्लस प्लस होगा, ये आई ऑफ प्लस प्लस होगा तो दोनों खत्म हो जाएगा मतलब पूरा कॉपी हो जाएगा। तो ये इस एग्जाम्पल के लिए वैलिड था ये वाला कोड। अगर हमारा ऐसा होता कि हमें राइट पार्ट ऑफ एरे बच जाता तो हम ये वाला कोड खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा ये खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ऐसा सब चीज हो जाता है तो सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे टेम्प्रोरी एरे में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो टेम्प्रोरी स्टोर एरे से जाके हमको बैक वापस हमको ओरिजिनल एरे में चाहिए सब चीज। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम आई वन से स्टार्ट कर रहे हैं एक फर्स्ट हाफ में मान लीजिए आई वन है और सेकेंड हाफ का लास्ट इंडेक्स क्या है जे टू, मतलब जब पूरा एरे हमारा कॉम्बाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स आई वन और लास्ट में जे टू कुछ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसलिए आई को आई वन से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन कहां तक जे टू तक या फिर इक्वल टू भी जे टू तक जाएगा और आई प्लस प्लस करेंगे और के इज इक्वल टू जीरो से जाएगा के प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे के टेम्प्रोरी मतलब टी ऑफ के मतलब जो भी वैल्यूज है इसमें वो ए ऑफ आई में जाके कॉपी कर दो, तो ये सारा एलिमेंट्स इसमें कॉपी हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में कुछ नहीं यहाँ पे जाके हम मेन फंक्शन में प्रिंट डाल देंगे और ये सारा प्रिंट हो जाएगा। एक बार आप कोड यहाँ पे देख लें, इंट मर्ज शॉर्ट है फिर इंट मर्ज है ये वाला पूरा,
यहाँ पे आप एक बार कोड देख लें, एक बार मैं रन करके आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं कि हम 5 ले लिए हैं, और कुछ भी ले लीजिए जैसे 7 1 8 0 9। ठीक है, कुछ गलती किया मैंने शायद, 1 2 3 4 एक और एलिमेंट पाएगा, 1 नहीं एक और एलिमेंट। हाँ ठीक है, अब देखिए सॉर्टेड आ गया आपका 0 4 7 9 1 1 0 8। यहाँ पे इंटर नहीं लिखा था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही था मर्ज सॉर्ट।